दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस ब्लॉक का SP-21 तेजस फाइटर जेट अपनी पहली फ्लाइट के लिए तैयार है। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस कॉन्फ़िगरेशन वाला पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट SP-21 अगले वीक तक अपनी पहली फ्लाइट को कंप्लीट कर लेगा। इस फाइटर जेट में क्रूशियल सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की गई हैं जो कि इसके पार्टनर कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने की हैं, जिसके बाद इसके फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस इक्विपमेंट में कुछ इश्यूज थे उन्हें भी रिमूव कर दिया गया है। SP-21 एयरक्राफ्ट को HAL के एयरपोर्ट पर टिफनी ग्रे पेंट स्कीम में पहली बार देखा गया है। इस एयरक्राफ्ट को HAL के एयरपोर्ट पर मेन रनवे के ऊपर क्रूशियल फास्ट टैक्सी ट्रायल्स करते हुए देखा गया है। इस फाइटर जेट में रेस्टिफिकेशन और इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की गई हैं, जिसके बाद अब SP-21 एयरक्राफ्ट अपने इंजन्स को अच्छी तरह इंगेज कर सकता है ताकि इसे बेटर रेट ऑफ क्लाइम मिल सके और ये टेक ऑफ करने के बाद हाई एल्टीट्यूड ज़्यादा रेट पर गेन कर सकता है। सोर्सेस का कहना है कि फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले तेजस फाइटर जेट ज़्यादा कॉम्बैट रेडी हैं और ये सभी वेपन्स के साथ इंटीग्रेट हुए आते हैं, और जब सेकंड स्क्वाड्रन की 16 फाइटर जेट का लेवल पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तब इन फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड एयर बेसिस पर भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इस फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर में कुछ की गई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और इसके इंजन में किए गए ट्वीक्स के बाद इस एयरक्राफ्ट को अब इंटरसेप्टर रोल्स में बेटर परफॉर्मेंस के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस फाइटर जेट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसकी पहली स्क्वाड्रन के पायलट द्वारा दिए फीडबैक का इस्तेमाल किया गया है। HAL का कहना है कि LC तेजस उनका प्रोडक्ट है और हम इनमें माइनर इम्प्रूवमेंट और कस्टमाइजेशन अपने इनपुट्स के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें चेंजेस करने के लिए हमें फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जैसा कि पहले इंडियन एयरफोर्स में मौजूद एयरक्राफ्ट के लिए करना पड़ता है। SP-21 एयरक्राफ्ट में सभी फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन की कैपेबिलिटीज हैं, और कुछ सोर्सेस ने सजेस्ट किया है कि HAL अपने SP-21 से लेकर SP-36 तक सभी एयरक्राफ्ट में सेम इक्विपमेंट रख रही है। उसकी पूरी कोशिश है कि किसी भी एयरक्राफ्ट में किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट से कुछ भी डिफरेंस ना हो, और ऐसी ही प्रोडक्शन क्वालिटी HAL अपने तेजस मार्क 1A प्रोडक्शन लाइन में भी रखना चाहती है ताकि तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन लाइन को स्मूदर और फास्टर रखा जा सके। फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन वाला एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट है जिसमें सभी इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल जाने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को बैटलफील्ड कंडीशंस में इस्तेमाल कर पाएगी। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाला एयरक्राफ्ट एक LCM मार्क 1 स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट खरीदने वाली हैं वो LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट हैं, जो कि LCA तेजस मार्क 1 से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स के साथ आएंगे। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में बेहतर रडार और एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम होंगे जो कि इसे बहुत ज़्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट बना देंगे। इंडियन एयरफोर्स ऐसे तेजस को उसके इंटरसेप्टर रोल में इस्तेमाल करना चाहती है। इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो कि हमारी एयर स्पेस में घुसने वाले एयरक्राफ्ट को जल्दी से जल्दी इंटरसेप्ट करते हैं और उन्हें या तो वापस मुड़ने पर मजबूर कर देते हैं और या उन्हें हवा में ही तबाह कर देते हैं। LCA तेजस एयरक्राफ्ट इंडिया के इंडियनाइजेशन प्लान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।